विज्ञान की दृष्टि से ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका विशेष महत्व है। साल 2024 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण अक्टूबर महीने में लगने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को बुधवार के दिन लगने वाला है। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:42 से इस ग्रहण की शुरुआत होगी और यह रात 9:47 तक रहेगा, यानी यह ग्रहण 6:05 की अवधि का होगा। यह एक लंबा ग्रहण है जिसमें कई खगोलीय रहस्य छुपे हुए हैं। दूसरा सूर्य ग्रहण है वो 2 अक्टूबर को लगेगा, जो दिन में 3:00 से लेकर के 42 से लेकर के शाम तक रहेगा भारतीय समय अनुसार। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि जहां ग्रहण दृश्यमान नहीं होता वहां उसका प्रभाव भी नहीं पड़ता है, इसलिए 2 अक्टूबर को लगने वाले इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भारत में नहीं होगा। और यह जो सूर्य ग्रहण होगा वह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आर्कटिक, अटलांटिक महासागर द्वीप समूहों के मध्य में होगा। अर्जेंटीना में यह सूर्य ग्रहण स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण की जो धर्मशास्त्र के अनुसार मान्यता है, जिस स्थान पर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण दिखाई देता है उसी स्थान पर उसका दोष लगता है। तो भारत में और एशिया के देशों में यह सूर्य ग्रहण दृश्य नहीं होगा, अतः भारत में इसका दोष नहीं लगेगा। जिन जगहों पर ग्रहण लगेगा वहां के सूतक काल का असर होगा। सूतक काल सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। इस दौरान पूजा पाठ और देव विग्रह का स्पर्श वर्जित होता है। सूतक काल में लोगों को कई तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। ग्रहण में जहां दृश्य होता है वहीं सूतक काल होता है, और भारत में इसलिए नहीं उसका सूतक लगेगा कि भारत में दृश्य है ही नहीं, तो दृश्य नहीं होगा तो नहीं लगेगा। ग्रहण काल के दौरान सिर्फ मंत्र जाप और ध्यान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इस समय किए गए मंत्र जाप का विशेष फल मिलता है। इस दौरान गंगा स्नान भी करना चाहिए जिससे पवित्रता बनी रहे। दोस्तों, सूर्य ग्रहण एक अद्भुत खगोलीय घटना है और ज्योतिष शास्त्र में इसका विशेष महत्व है। इसे जानना और समझना हमारे लिए भी उतना ही रोचक है। लोकल 18 के लिए वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट।